नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फुटेज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कन्हैया। तो आज के वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के 7 ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जो बेहद ही कमाल का ट्रिक है, शानदार ट्रिक है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो ये ट्रिक आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिक बेहद ही कमाल का ट्रिक है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट्सएप का पहला ट्रिक क्या होता है दोस्तों, जब हम व्हाट्सएप चलाते हैं तो ये हम व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने में देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट्सएप पे ये बैकग्राउंड जो है इसका ब्लैक में आ रहा है। ब्लैक में आने से क्या होता है कि हम जब हम व्हाट्सएप चलाते हैं तो ये हमारे आँख पर असर नहीं करता है। तो आप में क्या, आप जब व्हाट्सएप चलाते होंगे तो आपका ये बैकग्राउंड वाइट होगा, इस तरह का होगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद चैट में जाते हैं, और चैट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है डैम का, तो हम डैम पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे है लाइट। लाइट पे जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस, आप जब व्हाट्सएप चलाते होंगे तो ऐसा ही कुछ होता होगा, ये इसका बैकग्राउंड वाइट रहता होगा। लेकिन इससे क्या होता है, जब हम कंटिन्यू ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो ये हमारे आँखों पर असर करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड डार्क कर दें तो यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद चैट पे जाएंगे और यहाँ ऊपर पे डैम लिखा हुआ है, ये डैम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डार्क लिखा हुआ है, ये डैम पे क्लिक करके ये डार्क को टच कर देंगे और यहाँ ओके पे कर देंगे तो ये डार्क मोड में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हम व्हाट्सएप को कंटिन्यू चलाते रहेंगे और ये हमारे आँख पर असर नहीं करेगा और इससे हमारी बैटरी भी बचेगी। तो चलिए हम दूसरे ट्रिक पर चलते हैं। तो दूसरा ट्रिक क्या है दोस्तों, कि जैसे हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप फ़ोटो मीडिया सब कोई भेजता है तो क्या होता है, फ़ोटो हमारा स्टोरेज फुल हो जाता है और हम गैलरी से डिलीट मारते हैं तो वो व्हाट्सएप पे रह ही जाता है डिलीट फ़ोटो। तो देखिए हमें कैसे डिलीट करना है, इसके लिए हम यहाँ से सेटिंग पर जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्टोरेज एंड डाटा का, तो स्टोरेज एंड डाटा को हम क्लिक कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज स्टोरेज, तो ये मैनेज स्टोरेज को क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ दोस्तों जितना भी आपका फ़ोटो कौन कितना MB, मतलब ये आदमी जिससे भी मैं चैट कर रहा हूँ उसमें कितना MB मेरा खपत हुआ है, ये पूरा डिटेल रहता है किस आदमी से मैंने कितना MB यूज किया हूँ नेट। और इसमें 5 MB से जितना भी लार्जर देन 5 MB, तो इसमें 5 MB से जितना भी बड़ा फाइल है ये सब यहाँ पर शो करता है। देखिए ये 912 MB मेरा शो कर रहा है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जितना भी बड़ा बड़ा फाइल होगा वो सब यहाँ ऊपर पे शो करेगा, आप इस तरह से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये 5 MB से सारे ऊपर है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये 5.5 MB से ऊपर वीडियो है और आप यहाँ से डायरेक्ट इसे डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर टच करेंगे और ये डिलीट कर देंगे। इस तरह से डिलीट आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर कोई भी फ़ोटो मीडिया, सारा यहीं से आप जितना भी आपका फ़ोटो पे व्हाट्सएप पे फ़ोटो ऑडियो आता है या फोटो वीडियो आता है, जो भी आता है ये सारा यहीं से आप डिलीट कर सकते हैं। और ये डेट वाइज होता है, आप कितने से कितने तारीख का डिलीट करना चाहते हैं वो सब डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम व्हाट्सएप के तीसरे सेटिंग में चलते हैं। तो पहले होम स्क्रीन कर लेते हैं। व्हाट्सएप का तीसरा सेटिंग ये है दोस्तों, कि जैसे हम किसी को व्हाट्सएप पे फ़ोटो वोटो भेजना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले किसी का व्हाट्सएप ओपन करते हैं और फिर यहाँ पे टच करते हैं और फिर हम गैलरी में जाते हैं और फिर हम फ़ोटो लेते हैं। लेकिन ये इसके पर्सनल व्हाट्सएप के लिए, लेकिन क्या करेंगे हम एक और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप जो भी फ़ोटो वीडियो ढूंढना चाहते हैं जस्ट आप वहीं पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए हम बैक कर लेते हैं और यहाँ पर एक सर्च बार का आइकॉन है, ये सर्च बार के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन आ रहा है फ़ोटो वीडियो लिंक GIF फाइल्स ऑडियो और डॉक्यूमेंट्स, आप क्या क्या भेजना चाहते हैं सेंड करना चाहते हैं उस पर यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे हम डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो हम डॉक्यूमेंट पे सर्च पे क्लिक करेंगे और लिख देंगे ठीक है, तो जो भी फाइल है उस तरह से अगर आप फाइल का नाम दे के रखेंगे तो यहाँ पर सर्च करने से आ जाएगा और यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट आ गया। देखिए इस तरह से आप कोई और चीज़, जैसे यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे और फ़ोटो भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे सारा फ़ोटो आ जाएगा और फ़ोटो आप यहाँ से
क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने ये फ़ोटो क्लिक किया और यहाँ से मैं सेंड करना चाहता हूँ, ये फ़ोटो हमें किस आदमी ने भेजा ये भी यहाँ पे पूरा डिटेल लाता है कि 1 जुलाई को 8:34 में हमें किसी ने भेजा है। तो इस तरह से आप यहाँ से फ़ोटो कितने तारीख का पूरा डिटेल लाता है। जैसे इस फ़ोटो को टच करेंगे तो ये फ़ोटो हमें कौन भेजा है और कितने तारीख को भेजा है इससे यहाँ पर पता चलता है। और यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं फ़ोटो को। इस तरह से आप कितने भी तारीख का देखना चाहते हैं और इस तरह से आप एक फ़ोटो कितने बार आपने यूज किया है व्हाट्सएप पे, एक फ़ोटो को कितने बार भेजा है किसी के व्हाट्सएप पे, वो उतना बार आपके स्टोरेज को वो कवर करता है। तो आप इस तरह से यहाँ पे जैसे एक ही फ़ोटो देखी कितनी बार है, तो हम इस तरह से यहाँ पे इसको हम डिलीट कर सकते हैं। देखिए इसको यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे डिलीट फॉर्म में, तो ये व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फ़ोटो को कितनी बार यूज किया है, तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं और आपका स्टोरेज भी थोड़ा सा खाली हो जाएगा। तो चलिए हम चौथे ट्रिक की ओर चलते हैं। चौथे ट्रिक क्या है दोस्तों, जब हम किसी से चैट करते हैं तो चैट करते करते हमारा फाइल पूरा भर जाता है और फिर हमारा स्टोरेज फुल हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि किसी से ज़्यादा चैट करते हैं, तो हम ऐसा एक ऑप्शन आता है कि आप वो 7 डेज में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए आप जैसे मैंने इस आदमी से चैट करता हूँ और चाहता हूँ कि हर 7-7 दिन में इसका चैट ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाए। देखिए इस तरह से क्या होता है, इसने हमें वीडियो फ़ोटो भेजा है तो ये फुल हो जाता है मेमोरी इससे। तो हम चाहते हैं कि 7 दिन में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। तो इसके लिए हम इसके प्रोफाइल पिक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है डिसअपीयरिंग मैसेज, तो हम इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जैसे यहाँ पे ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टर्निंग ऑन दिस सेटिंग विल मेक ए न्यू मैसेज डिसअपीयर फ्रॉम दिस चैट आफ्टर 7 डेज। 7 दिन में क्या होता है ये मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और हर 7 दिन बाद मैसेज अपने आप यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको बैक कर लेते हैं और चलते हैं पांचवें ट्रिक की ओर। तो पांचवें ट्रिक ये है दोस्तों, जैसे हम किसी का व्हाट्सएप खोलते हैं, जैसे ये व्हाट्सएप खोले तो इसके बैकग्राउंड ब्लैक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड हमें कुछ और भी अच्छा दिखे तो इसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद चैट में जाएंगे और चैट में यहाँ पे एक ऑप्शन है वॉलपेपर का, यहाँ पे वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज का ऑप्शन है, हम चेंज को क्लिक कर देंगे और जो भी हम बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो चलिए हम जैसे हम ये बैकग्राउंड ले लेते हैं, सपोर्ट के लिए भी कोई भी एक बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं। ऐसे आप कोई भी चूज कर सकते हैं और भी इसमें वॉलपेपर है, कोई भी वॉलपेपर चूज कर सकते हैं। चलिए हम डिजाइन में कोई वॉलपेपर चूज करते हैं। चलिए हम ये लाल वाला वॉलपेपर है इसे हम बैकग्राउंड में लगा देते हैं और यहाँ पे सेट वॉलपेपर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये सेट हो जाएगा और इसे आप कितना कम ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम अपने वॉलपेपर के को चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड को व्हाट्सएप के। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं छठे ट्रिक की ओर। तो छठे ट्रिक में है कि जब हम किसी को व्हाट्सएप पे क्या करते हैं मैसेज फ़ोटो भेजते हैं, जैसे कोई भी फ़ोटो भेजते हैं, चलिए हम सपोज कोई भी एक फ़ोटो ले लिए, एक फ़ोटो ये वाला ले लिए हम ये फ़ोटो और हम ये सेंड करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करते हैं और सेंड कर देते हैं। लेकिन इसमें और भी ऑप्शन होता है, अगर आप चाहते हैं यूज करना तो इसमें और भी कुछ एडिट कर सकते हैं। जैसे इस फ़ोटो को देखिए ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एरो का निशान बनाए ऊपर की तरफ, जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग हम मोड में इसको ले सकते हैं। देखिए इस तरह से करेंगे तो ये अलग अलग कलर में आपको जो भी कलर आता है इस तरह से आप कलर चेंज करके इसको क्रोम में अलग अलग कुल में इस तरह से आप भेज सकते हैं एक ही फ़ोटो को अलग अलग डिजाइन करके।
और जैसे इसको डिजाइन किए, इसके बाद हम यहाँ पे बैक करेंगे। और यहाँ पे देखिए ऊपर पे एक ऑप्शन आ रहा है टेस्ट का, इस पर से अगर हम कुछ इस फोटो पे कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे चलिए हम कुछ लिख देते हैं लव यू, तो इस तरह से हम इसको लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये बीच में लिखा हुआ आ गया है। इसको आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं कोई भी कलर में। और फिर अगर आप चाहते हैं कुछ इमोजी लगाने के लिए, तो यहाँ पे टच करेंगे और कोई भी एक सर्किल ले लेते हैं। चलिए ये वाला सर्किल हम लेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, ये यहाँ से हम ऐसे डिलीट कर देंगे। चलिए हम दूसरा इमोजी ले लेते हैं, यहाँ पे टच करेंगे और एक सर्किल ले लेते हैं। और सर्किल को आप अपने मन से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जिस टाइप से घुमाना चाहते हैं घुमा सकते हैं। और इसको कलर में अलग अलग कलर में कर सकते हैं। और फिर आप इसको चाहे तो सेंड कर सकते हैं। अगर आप फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं, दूसरे साइड से छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं इस तरह से फ़ोटो को, जो भी करना चाहते हैं। और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे तो ये फ़ोटो आपका डन हो जाएगा। और इसके बाद इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, चलिए हम गुड लिख देते हैं। आप कुछ भी लिख के और यहाँ पे सर्च पे क्लिक लिख भेज सेंड कर देंगे फ़ोटो। तो देखिए इस फ़ोटो में ये मैंने जो एक्स्ट्रा किया है, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं लास्ट और साथ में ट्रिक की ओर जा रहा हूँ, ये भी ट्रिक आपके लिए बेहद यूजफुल है। तो चलिए हम बताते हैं ये सातवां ट्रिक क्या है। जैसे क्या होता है दोस्तों, कोई किसी से भी हम ज़्यादा चैट करते हैं, और होता है कोई ना कोई ऐसा होता है जो हम व्हाट्सएप में किसी एक आदमी से दो आदमी से जिससे हम बार बार चैट करते हैं, तो व्हाट्सएप ओपन करने के बाद बार बार हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं और फिर उसके चैट पे जाते हैं और फिर चैट करते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ऑप्शन है कि किसी के भी हम व्हाट्सएप को डायरेक्ट खोल सकते हैं। तो इसके लिए हम किसी का भी प्रोफाइल को यहाँ पे टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे जाएंगे, और थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड शॉर्टकट, तो इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या होता है दोस्तों, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये व्हाट्सअप बैक कर लिए और ये आदमी से हम बार बार चैट करते हैं, तो इसके लिए हमें व्हाट्सअप बार बार नहीं खोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसका एक आइकॉन आ गया इसी आदमी का, जिस आदमी का हमने अभी ऐड, और यहाँ से हम जैसे इसके प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, इसके व्हाट्सएप पे हम चले जाएंगे और यहीं से कुछ भी हम चैट कर लेंगे। और फिर बैक करेंगे तो फिर हम इसके व्हाट्सएप से आ जाएंगे, देखिए। और इसको ये कितना इजी तरीका है, किसी से हमें चैट करना है तो एक बार ऐसे टच करेंगे और यहाँ पे व्हाट्सएप पे चले जाए, तो है ना ये इजी तरीका। तो फिर ये सातों ट्रिक में से कौन सी ट्रिक आपको सबसे बेस्ट लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।